समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी के गंगापुर मैदान में जनसभा को किया संबोधित, वहीं डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील। हमने समाजवादी सरकार में युवाओं को लैपटॉप दिया, मौजूदा सरकार ने उसका साइज घटाकर छोटा करके ऐसा फ़ोन दे दिया जो टच करने पर भी नहीं चलता। जब हमने लैपटॉप दिया था तो वह लैपटॉप आज भी लोग चला रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा होता था, आज कितना बड़ा है। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये में आता था, आज महंगाई इतनी बढ़ गई कि 5 रुपये में 5 बिस्किट आते हैं। यही सरकार रही तो बिस्किट भी आपका छीन लेगी। ये सरकार आपका आरक्षण छीनना चाहती है। हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण में बढ़ोतरी करेंगे और दबे कुचले सभी को आरक्षण में समान हिस्सेदारी दी जाएगी। पुलिस भाइयों से भी कहते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करो, इसलिए सहयोग करो क्योंकि बीजेपी के लोग आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी की है, उनकी नजर इन पे भी है। खाती वालों की 3 साल नौकरी कर रही है, पूछते हैं कि आप कैसे। मैंने अपने पत्रकार साथियों से पूछा और कहा क्या किसी को पता था कि अग्निमेव वाली व्यवस्था हो जाएगी 4 साल की। आप में से बहुत सारे साथियों ने देखा कि जब हम लोग आप लोग लाइन में लग गए, क्या हमें और आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? क्या हमें और आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे, पानी के जहाज बिक गए, बंदरगाह बिक गया, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी और बैंकें भी बेच दी, इसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा? इसलिए अगर ये अग्निवीर वाली व्यवस्था कर सकते हैं 4 साल की नौकरी, तो सप्ताह में आ जाएंगे तो 3 साल की नौकरी भी कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए और केवल अग्निवीर व्यवस्था को खराब व्यवस्था नहीं दी, इसके साथ साथ हमारे नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा लिखी इन्होंने, पीछे हम परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इधर आ जाएगी ना, ये लोग आरोप लगाते थे, तरह तरह के आरोप लगाते थे, उनकी सरकार का पेपर लीक हो रहा है और एक नहीं 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और अब तक तो 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पेपर लीक के कारण अपनी परीक्षा नहीं दे पाए। अगर हम ये हिसाब किताब लगा लें 60 लाख और उनके माँ बाप को जोड़ दें तो 3 वोट अगर एक परिवार से इनके खिलाफ हो गए तो सोचिए 60 लाख गुणा 3 1,80,00,000 हो गए। और यही 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? 2,25,000 की भरपाई कैसे करेगी बीजेपी बताओ? 2,25,000 इसीलिए आपको पता होगा जो हवा चली है पश्चिम से, जो अभी भी चल रही है, अगर वहां के लोगों ने उखाड़ फेंका है बीजेपी को तो ये मैनपुरी वाले भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। ये लोग जो बुलडोजर यात्रा चला रहे थे,